हेलो एवरीवन, नाउ वी विल स्टार्ट पार्ट थर्ड ऑफ चैप्टर फाइव. चैप्टर इज मेजर सिटीज ऑफ इंडिया फर्स्ट. इन प्रीवियस पार्ट वी रीड अबाउट दिल्ली एंड इन दिस पार्ट वी रीड अबाउट मुंबई द गेटवे ऑफ इंडिया. हम नेक्स्ट मेजर सिटी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे. नेक्स्ट मेजर सिटी इज मुंबई. मुंबई इज अर्लियर नोन एज बॉम्बे. मुंबई को पहले बॉम्बे के नाम से जाना जाता था. इज़ द कैपिटल ऑफ स्टेट महाराष्ट्र. या महाराष्ट्र की कैपिटल है. वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड और या वर्ल्ड की लार्जेस्ट सिटीज़ में से एक है. मुंबई इज़ लोकेटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. या इंडिया के वेस्ट कोस्ट में सिचुएटेड है. अलोंग द अरेबियन सी. साथ ही साथ अरेबियन सी भी है. इट इज़ एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री. और यह भारत का एक इम्पोर्टेंट क्या है, ट्रेड सेंटर है और इंडस्ट्रियल एरिया है. विच इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ आर कंट्री. और यहाँ पर ट्रेड सेंटर और इंडस्ट्रियल एरिया होने के कारण इसको हम भारत की फाइनेंशियल कैपिटल सिटी कंट्री भी कह सकते हैं. फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ आर कंट्री या हमारे भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है. यू कैन सी इन दिस मैप मुंबई. मुंबई को आप देख सकते हैं. जो ब्लू पार्ट दिखाई दे रहा है यह समुद्री एरिया है. और यह मुंबई के बहुत सारे पार्ट से अलग अलग पार्ट्स में मुंबई डिवाइड है. मुंबई और महाराष्ट्र डिवाइड है. नाउ वी रीड अबाउट क्लाइमेट ऑफ मुंबई. अब हम मुंबई के क्लाइमेट के बारे में जानेंगे. एज मुंबई इज़ लोकेटेड क्लोज टू द सी. जैसा कि हमने अभी पिक्चर में देखा कि जो मुंबई है वो कहाँ किसके क्लोज है, सी के क्लोज है, समुद्र के बहुत ही समीप है. इट हैज़ ए मॉडरेट क्लाइमेट. और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, मॉडरेट. और दिल्ली का क्लाइमेट कैसा था, एक्सट्रीम क्लाइमेट. और यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, मॉडरेट क्लाइमेट. इट इज़ वार्म एंड ह्यूमिड इन समर. समर में ये कैसा होता है, वार्म होता है. एक्सट्रीम वार्म नहीं होता है, ओनली वार्म होता है. ह्यूमिड होता है समर्स में. एंड प्लीजेंटली कूल इन द विंटर. और विंटर में यह कैसा होता है, प्लीजेंटली कूल. मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती बल्कि प्लीजेंट मौसम यहाँ होता है. मुंबई गेट्स हैवी रेनफॉल बिटवीन द मंथ्स ऑफ जून एंड सेप्टेम्बर. और मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश होती है कौन से महीनों में, जून से लेकर सेप्टेम्बर तक. नेक्स्ट पॉइंट इज कल्चर. कल्चर के बारे में हम रीड करेंगे. पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री एंड द वर्ल्ड. जैसा कि हम जानते हैं कि मुंबई इज़ अ मेजर सिटी ऑफ इंडिया. यहाँ पे भी पूरी कंट्री नहीं, पूरे देश नहीं बल्कि अदर कंट्रीज से भी लोग यहाँ पर आकर वर्क करते हैं. दस द सिटी हैज़ एडॉप्टेड द कल्चर्स ऑफ इट्स रेजिडेंट्स एज वेल एज इट्स ओन महाराष्ट्रियन हेरिटेज. और इतने सारे कल्चर को अडॉप्ट करने के बाद यहाँ का एक पर्टिकुलर कल्चर है, इट्स कॉल्ड महाराष्ट्रियन हेरिटेज. मराठी एंड कोंकणी आर वाइडली स्पोकन लैंग्वेज. यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती है, मराठी एंड कोंकणी. ऑल दो इंग्लिश, हिंदी, गुजराती एंड उर्दू. इसके साथ साथ यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, गुजराती और उर्दू भी यूज़ की जाती है, बोली जाती है. दिस मल्टी कल्चरल इफेक्ट इट सीन इन द क्लोथ्स एज पीपल वी आर बोथ इंडियन एज वेल एज वेस्टर्न क्लोथ्स. और जब तरह तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं, देश नहीं विदेश के लोग भी यहाँ रहते हैं, तो इनका जो क्लोथिंग होता है वहाँ भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है. यहाँ के लोग इंडियन और वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं. रूरल महाराष्ट्र वुमेन टाई देयर सारीज ट्राउजर स्टाइल. और यहाँ की जो रूरल महाराष्ट्र की जो महिलाएं हैं वो क्या करती है, वुमेन टाई देयर सारीज ट्राउजर स्टाइल. वो अपनी साड़ी ट्राउजर स्टाइल में बांधती हैं एंड वेयर ह्यूज नोज रिंग. और नोज में एक बड़ा सा रिंग पहनती है. दैट कैन डेंगल राइट अप द चिन. और जो किस साइड होता है या चिन के राइट साइड में होता है, लटका हुआ होता है. मेन वियर धोती कुर्ता एंड गांधी केप. सर यहाँ के जो मेन होते हैं मोस्टली वो क्या पहनते हैं, धोती कुर्ता और गांधी केप पहनते हैं. ऑल द नेशनल एंड सेवरल रिलीजियस फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड इन मुंबई. वैसे तो यहाँ पर भारत के सारे रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं. द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल हियर इज़ गणेश चतुर्थी. लेकिन यहाँ का जो मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल है वह गणेश चतुर्थी. वैन ग्रैंड प्रोसेशन एंड फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज ऑल ओवर द सिटी. और गणेश चतुर्थी पर यहाँ पर एक ग्रैंड प्रोसेशन जुलूस निकाला जाता है. बहुत सारे फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं पूरी सिटी में. मुंबई इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स फूड. मुंबई अपने फूड के लिए भी फेमस है. स्नैक्स सच इज भेलपुरी, जैसे सच इज फॉर एग्जाम्पल भेलपुरी, पानीपुरी, वड़ा पाव, पाव भाजी आर क्वाइट पॉपुलर. यहाँ के सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं.
Now we read about industry. Mumbai is home of the number of important industries such as cloth mill. यहाँ पर बहुत सारे industries है. For example, cloth mill, electronic industry and chemical industry. Off the coast of Mumbai lies Bombay. As you know, Mumbai situated in the east coast of India या भारत की east coast पर situated है. यहाँ पर क्या है, Bombay High पड़ता है, which has large deposit of crude oil. बॉम्बे है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या डिपॉजिट है, क्रूड ऑयल डिपॉजिट है, येल्डिंग पेट्रोल एंड डीजल. क्रूड ऑयल से क्या बनाए जाते हैं, पेट्रोल एंड डीजल्स बनाए जाते हैं. दीज फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय थाउजेंड ऑफ पीपल. और यह एक इंडस्ट्रियल एरिया होने के कारण बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है. थाउजेंड ऑफ पीपल यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं. द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ऑल्सो नोन एज बॉलीवुड इज ऑल्सो बेस्ड इन दिस सिटी. और भारत का जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है. और बॉलीवुड कहाँ सिचुएटेड है, मुंबई में. सो अ लॉट ऑफ फेमस एक्टर्स सिंगर्स फिल्म मेकर्स, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे फेमस एक्टर्स सिंगर्स फिल्म मेकर्स एंड सेलिब्रिटीज लिव इन मुंबई. बहुत सारी सेलिब्रिटीज मुंबई में रहती है. सिंस इट इज़ अ स्टेट कैपिटल ऑफिसेज एंड हाउसेज ऑफ द चीफ मिनिस्टर. यह एक स्टेट कैपिटल होने के कारण यहाँ पर स्टेट के इम्पोर्टेंट हाउसेस होते हैं. चीफ मिनिस्टर का ऑफिस होता है और उनके जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उनके सबके ऑफिस कहाँ पर लोकेटेड है, मुंबई में. प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ के जो टूरिस्ट प्लेसेस है या देखने लायक जो जगह हैं वह हैं. द सिटी ऑफ मुंबई इज़ अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन. मुंबई सिटी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के नाम से भी पॉपुलर है. टू, इट इज़ वेल कनेक्टेड बाई एयर एंड रेल. और यह मुंबई किससे वेल कनेक्टेड है, एयरवेज और रेलवेज से वेल कनेक्टेड है. इनफैक्ट द छत्रपति शिवाजी टर्मिनस इज़ द अमंग द बिजिएस्ट स्टेशन इन द इंडिया. और यहाँ का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है छत्रपति शिवाजी, वह भारत का सबसे बिजिएस्ट स्टेशन है. द लोकल ट्रेन नेटवर्क इज़ द लाइफ लाइन ऑफ द सिटी. और यहाँ का जो लोकल ट्रेन नेटवर्क है वह यहाँ के लोगों की जीवन रेखा है. कनेक्टिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मुंबई. लोकल ट्रेन नेटवर्क का मतलब जो वहाँ का मेट्रो सिटी का ट्रेन नेटवर्क है जो कि मुंबई को अलग अलग पार्ट्स से जोड़ता है. एंड प्रोवाइडिंग अ फास्ट एंड चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. और यही क्या करता है, मुंबई के लोगों को फास्ट और चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है. द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन आर मुंबई की जो मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन है, दीज आर फर्स्ट इज गेटवे ऑफ इंडिया. इट वॉज बिल्ट बाई द ब्रिटिश इन 1911. गेटवे ऑफ इंडिया ब्रिटिशर्स ने बनाया था 1911 में टू मार्क द विजिट ऑफ किंग जॉर्ज फाइव. और यह क्यों बनाया था, क्योंकि इंडिया को विजिट करने किंग जॉर्ज फाइव आए थे एंड क्वीन मेरी टू मुंबई. क्वीन मेरी और किंग जॉर्ज फाइव इंडिया आए थे, उन्हीं की याद में उन्हीं के विजिट को मेमोरेबल बनाने के लिए ब्रिटिशर्स ने गेटवे ऑफ इंडिया को बिल्ड किया. सेकेंड इज बीचेस. पॉपुलर बीचेस इन द सिटी इंक्लूड जुहू बीच, चौपाटी, मारवेन, वर्सोवा. ये जितनी भी फेमस बीचेज है मुंबई में सिचुएटेड है. नेक्स्ट इज गार्डन्स. हैंगिंग गार्डन्स एंड विक्टोरिया गार्डन्स आर वेरी फेमस. मुंबई में बहुत सारे गार्डन्स हैं, उनमें से हैंगिंग गार्डन और विक्टोरिया गार्डन बहुत फेमस है. नेक्स्ट इज कल्चर. प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम एंड जहांगीर आर्ट गैलरी रिफ्लेक्ट द रिच कल्चर ऑफ मुंबई. प्रिंस ऑफ वॉल्स म्यूजियम और जहांगीर आर्ट गैलरी क्या करती है, मुंबई के कल्चर को दिखाती है. यदि हम यहाँ विजिट करेंगे तो हमें मुंबई का सारा कल्चर इन दोनों जगहों पर देखने को मिलेगा. नेक्स्ट इज एलिफेंटा केव्स. एलिफेंटा की गुफाएं, दे आर लोकेटेड क्लोज टू द सिटी ऑफ द ऑन एन आइलैंड. द केव्स हैव रॉक कट टेम्पल्स डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा. यह जो केव्स है चट्टानों को या रॉक्स को काट काट कर एक टेम्पल्स के रूप में बनाई गई है. और यह किसको डेडिकेट की गई है, भगवान शिव या भगवान शंकर को डेडिकेट की गई है. मुंबई इज़ अ फास्ट पेस्ड सिटी. मुंबई एक फास्ट पेस्ड सिटी है. विच हाउस हाउसेज मैनी पीपल फ्रॉम ऑल आर द कंट्री एंड एब्रोड. यहाँ पर कंट्री के अलग अलग हिस्से के लोग एज वेल एज अब्रोड के या वर्ल्ड के अलग अलग देशों के लोग यहाँ वर्क करते हैं और स्टडी और अपनी स्टडी करते हैं टू फुलफिल देयर ड्रीम्स और अपने ड्रीम्स को पूरा करते हैं. सो स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर वी रीड अबाउट टू मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया, दिल्ली एंड मुंबई.